बचपन से ही एक धुन थी कि कुछ करना है। गर्व से ये बात कह सकते हैं कि आज जो गौ समृद्धि का प्राकृतिक ऊर्जा के ऊपर जो मॉडल है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक यूनिकली है। आधुनिकता के दौर ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। मानव जाति, जो कि सबसे बुद्धिमान और सर्वोत्तम प्रजाति है, उससे उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ताकत की भूख में हम अपनी जिम्मेदारियों को भुला देते हैं। आधुनिकता के चार सबसे बड़े मुद्दे, जो मुकेश कुमार और रमेश कुमार के यूनिक कमर्शियल प्रोजेक्ट की जड़ बने। प्रदूषित होता पर्यावरण, हर दिन होती गौ हत्या और आत्महत्या करता किसान, जहरीली और बंजर होती जमीन। पूरे संसार में बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं और नए नए उपाय ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाई जा सके। परंतु डेवलपमेंट को बरकरार रखने के एवज में सब योजनाएं पीछे छूट जाती हैं और अधिक से अधिक ऊर्जा जनरेट करने के चक्कर में प्राकृतिक स्रोतों को दूहन किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन भी लुप्त होने की कगार पर है। यूरिया खाद और डीएपी, जो काफी महंगी होने के कारण किसानों पर भारी पड़ती है, साथ साथ जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी नष्ट कर देती है और एक धीमे जहर की तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अंत में किसान की आत्महत्या की वजह भी बनती है, क्योंकि कर्जा ना चुका पाने और भूखा मरने से बेहतर विकल्प उसे आत्महत्या दिखाई देता है। और भारत का सबसे बड़ा और अहम सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दा, गायों की दयनीय स्थिति। गायें, जिनको हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है, वो या आजकल आवारा घूमती पाई जाती है, जहां गंदा कचरा मल मूत्र जैसी घिनौनी चीजें उसका भोजन बन गई, या फिर वो बूचड़खानों में खुद दूसरों का भोजन बन रही है, अथवा कारखानों का रॉ मटेरियल बन गई है। गौ माता का राजनीतिकरण, संरक्षण के लिए बड़े बड़े वायदे बेबुनियादी और लॉजिक से दूर नजर आते हैं। परंतु कुछ लोग हैं जिनको लगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये चार समस्याएं हमारे दिल को विचलित करती थी, हमें सोने नहीं देती थी। श्री APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और दुनिया के सामने रखा एक बेमिसाल इको फ्रेंडली ऊर्जा बनाने और उसको इस्तेमाल करने का आर्थिक मॉडल, बायोगैस प्लांट। बायोगैस कोई नई तकनीक नहीं है, युगों पुरानी है। तो सवाल उठता है कि इसमें बेमिसाल और यूनिक क्या है। जो बायोगैस है उसको थर्मल एप्लीकेशन में यूटिलाइज हमने किया है। यही जो प्रोसेस है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक यूनिकली है, क्योंकि बायोगैस के ऊपर जहाँ तक और प्राकृतिक ऊर्जा के ऊपर जहाँ तक आप बात करें, तो दुनिया भर के लोगों की सोच इतनी संकुचित थी कि बायोगैस को सिर्फ एक कुकिंग पर्पज के लिए लोग मान के बैठे थे कि सिर्फ ये घर का खाना बनाने तक सीमित है। और इस मुहिम के पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम अद्भुत रहे। गाय के गोबर से गैस बना करके टाइल ईंटें मिट्टी के बर्तन, इस तरह के हम प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तरह तरह का कचरा भट्टियों में डाल करके प्रदूषित किया जाता है वातावरण को। गायें, जो कि कामधेनु होती है, उसे कारखाने की तरह देखना,
गाय का लक्ष्मी के रूप में दुहन करना, गोबर का रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाने से ना तो प्रकृति का कोई नुकसान होता है, बल्कि वेस्ट डिस्पोजल का काम भी बेहतरीन तरीके से होता है। हमने एक ऐसी इंडस्ट्री साथ में जोड़ी, ब्रिक्स इंडस्ट्री, और ब्रिक्स इंडस्ट्री को साथ में एक ऐसा मॉडल, ब्रिक्स इंडस्ट्री का भी हमने एक ऑटोमेशन का एक मॉडल बनाया जिसमें ऑटोमेटिक पूरी ब्रिक्स यूनिट चलती है और उसमें बायोगैस से फायरिंग होके और 20,000 टाइल ईंटें पर डे की प्रोडक्शन होती हैं 2,000 घन मीटर बायोगैस से। आज हम लगभग 40 टन पर डे गोबर गौशालाओं से लेते हैं और उसके एवज में उनको बहुत सारा पैसा देते हैं ताकि एक आर्थिक स्थिति पे गंभीरता से सोच विचार करके ये कार्य किया गया। गौशालाओं से इकट्ठे किए गए गोबर में पानी का मिश्रण किया जाता है और उसे अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। इस घोल को एक विशालकाय डोम में डाल दिया जाता है। इसके बाद अंदर अबायोटिक डिग्रेडेशन से मीथेन गैस ऊपर आ जाती है जिसे थर्मल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पाइपलाइन से फर्नेस की तरफ भेज दिया जाता है। बची हुई स्लरी को बैक्टीरिया कल्चर से एनरिच करके उससे जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाती है। मिट्टी का पानी के साथ मिश्रण करके फिर गीली मिट्टी को आधुनिक मशीन के इस्तेमाल से क्ले स्लैब्स बनाई जाती है। और उसे टाइल्स के आकार में काटा जाता है। इन कच्चे टाइल्स को ट्रॉली पर लोड करके सूखने के लिए रखा जाता है। बाद में ट्रॉली को फर्नेस के लिए ट्रांसफर किया जाता है। आधुनिक मैकेनिकल साधनों का प्रयोग करने में कोई परहेज नहीं किया गया है। पारंपरिक तरीकों और आधुनिक तकनीक का बेजोड़ मेल है गो समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड। कच्ची टाइल्स की ट्रॉली को भट्टी में भेजकर पूरे तरीके से पकाया जाता है। यह थर्मल एनर्जी पूरी तरह से शुद्ध, एफिशिएंट और बहुत ही कम प्रदूषण करने वाली है। पकी हुई टाइल्स अब आपके घरों की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। इन टाइल्स की खासियत ये भी है कि जैसे जैसे इनमें पानी पड़ता है ये वक्त के साथ मजबूत और इनका रंग गहरा होता जाता है। क्ले टाइल्स और क्ले पोट्स के अलावा गो समृद्धि की बेहतरीन देन है जैविक खाद, बैक्टीरिया से एनरिच और गौ माता की देन से तैयार जैविक खाद फसलों की पैदावार तो बढ़ाती ही है, साथ साथ जमीन में नमी बनाए रखती है। मैं 8 किलो में नरमा बीज रखा है, इसमें जैविक खाद गिरने से मेरे पैदावार अच्छी है, अच्छा बदा है, और ना इसमें यूरिया डाली ना इसमें DAP डाली। फाल बढ़िया है, उपजाऊ सही हुई है, बीमारियाँ कुछ नहीं है इसके अंदर। यूरिया डालते हैं उससे ज़्यादा बीमारी आती है, पीड़ा हो जाता है, तेला लग जाता है, इससे कुछ नहीं हुआ, बीमारी बीमारी कुछ भी नहीं लगी। हमारे स्कूल में बताया गया था जैविक खाद डालने से आपके नरमे में, आपके गुहार में, हर आपके जो आप खेती करते हो उसमें बहुत बड़ा होगा, उसमें कोई तेला तला ऐसा नहीं लगेगा, बीमारियाँ पैदा नहीं होगी पेड़ों में। सलाह देंगे सारे गांव को, देंगे सलाह, यह बढ़िया खाद है, ये उपजाऊ में फाल में से बढ़िया लाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार रमेश और मुकेश कुमार का ये मिशन अपने आप में परिपूर्ण और देश और दुनिया के लिए किसी क्रांति से कम नहीं। गौ समृद्धि की ये मुहिम धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले रही है और गौ माता के आशीर्वाद से हिंदुस्तान जल्द ही खेती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इन सब चीज़ों के पीछे, इस पूरे मॉडल के पीछे हमारी जो मेन जो विचार रहा है, जो हमें राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा मिली है, उसमें यही है कि हमें अपने भारत की मान्यताओं के आधार पे, भारत की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत को फिर से खड़ा करना है। ऐसी भावनाओं के साथ हमने ये पूरे का पूरा मॉडल स्टार्ट किया है। नेचुरल
जो ऊर्जा का स्रोत है उस पर बड़ा कार्य किया जाए, और इसी सोच कर लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं भगवान और समाज हमारा भरपूर सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत।